नमस्कार दोस्तों, जमाई राजा सीजन 2 पर मैं आपको कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अभी के लिए आप सभी के जानकारी को एक अपडेट कर देता हूँ। जमाई राजा के जितने भी श्रोता, जितने भी चाहने वाले, सभी के लिए लेटेस्ट जानकारी आ रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, रवि दुबे और निया शर्मा, अचित कौर, संजय स्वराज जैसी टीम काम करती हुई देखी होगी, जो कि एक दमदार और एक अहम रोल देखने को मिला था जमाई राजा में, जो कि निया शर्मा एक रोशनी पटेल का किरदार निभा रही थी, जो कि डीडी पटेल की बेटी का किरदार था। वहीं पर डीडी पटेल का किरदार जो निभा रही थी वो अचित कौर थी। अचित कौर जो कि जमाई राजा में सिद्धार्थ खुराना की सासू माँ बनी हुई थी। इधर बात करते हैं सिद्धार्थ खुराना, सिद्धार्थ खुराना जो कि रवि दुबे सिद्धार्थ खुराना की भूमिका निभा रहे थे। वो भूमिका काफ़ी अच्छी थी, जो कि लोगों ने उनकी भूमिका को काफ़ी पसंद भी किया। और इधर बात करते हैं अब डीडी पटेल जो कि अचित कौर थी, यहीं पर संजय स्वराज जी की बात करते हैं। संजय स्वराज जी जो कि राज खुराना का किरदार निभा रहे थे, राज खुराना का किरदार काफ़ी सुपरहिट किरदार में से गिना जाता है। लेकिन अभी बात चल रही है रवि दुबे और निया शर्मा पे, तो निया शर्मा के पास में अभी थोड़ा टाइम ना होने की वजह से ये शो काफ़ी डिले होता जा रहा है। जो कि आपने एक वेब सीरीज़ देखी थी, वेब सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ थी, जो कि काफ़ी बोल्ड सीन भी दिखाए गए थे। उसी के साथ साथ में निया शर्मा अभी नागिन 4 काम कर रही है, नागिन 4 में, जो कि कलर्स TV का सबसे पॉपुलर शो में से गिने जाने वाला शो भी है। तो जमाई राजा पे कुछ अपडेट इस तरीका से हैं कि एक बार फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा किस तरीका से वो भी आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ। क्योंकि जल्दी ही निया शर्मा नागिन 4 की शूटिंग ख़त्म करने के बाद में फिर वो जमाई राजा की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी, और व्यस्त होने के बाद में फिर वो जमाई राजा की शूटिंग कम्प्लीट करेंगी। क्योंकि जमाई राजा के काफ़ी एपिसोड अभी शूट होने बाकी हैं, जैसे ही इनके एपिसोड शूट हो जाएंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जमाई राजा के कुछ एपिसोड में पुरानी टीम को भी दर्शाया जा सकता है। क्योंकि पुरानी टीम की बात करें तो पुरानी टीम के काफ़ी अच्छे रोल थे, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आए थे। कहीं ना कहीं लोग पुरानी टीम को भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। और रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे भी पुरानी टीम को चाहते हैं कि काश पुरानी टीम भी हमारे साथ में काम करे, क्योंकि पुरानी टीम की भागीदारी भी कहीं ना कहीं अच्छी रही थी और हर कोई उस टीम को मिस कर रहा है। वहीं पर निया शर्मा की बात करते हैं, जो कि रोशनी पटेल का किरदार निभा रही थी, तो रोशनी पटेल का और जो कि सिद्धार्थ खुराना की जो बॉन्डिंग देखने को मिली थी लोगों को, उस बॉन्डिंग को हर किसी ने पसंद किया था। कहीं ना कहीं लोग आज भी उस बॉन्डिंग को पूरी तरीका से देखना चाहते हैं। आपको बता देता हूँ कि ये सीरीज जो स्टार्टिंग हुई थी, ये GTV की पॉपुलर सीरीज में से गिनी जाने वाली सीरीज थी जमाई राजा। जमाई राजा का आज के टाइम में काफ़ी बड़ा नाम है, और कहीं ना कहीं वो रवि दुबे और निया शर्मा की वजह से, क्योंकि रवि दुबे और निया शर्मा ने इस सीरीज को काफ़ी प्यार दिया और काफ़ी टाइम भी दिया, और जिसकी वजह से इन दोनों को हालांकि पॉपुलरिटी भी इसी शो से मिली हुई है जमाई राजा की वजह से। आज के टाइम में निया शर्मा के पास की बात करें तो निया शर्मा को बिग बॉस से भी ऑफर मिला था, जो कि 2 करोड़ का, तो बिग बॉस से भी ऑफर मिला था निया शर्मा को। आप सभी को बता देता हूँ, बहुत जल्दी आप इस शो में देखने को मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी फिर से कमबैक करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जमाई राजा को वो भी काफ़ी मिस कर रही हैं। कहीं ना कहीं रवि दुबे और निया शर्मा आपको बहुत ही जल्दी इसी शो में दोबारा से देखने को मिलेंगे, लेकिन ये शो YouTube पे भी दोबारा दिखाया जाएगा, जो कि जमाई राजा के सबसे पॉपुलरिटी हासिल करने वाला शो में से भी रिकॉर्ड दर्ज है। क्योंकि जमाई राजा वेब सीरीज़ की बात करें तो वेब सीरीज़ का आज के टाइम में कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छी सुपरहिट सीरीज साबित हुई थी वेब सीरीज़ के बाद में। रवि दुबे और निया शर्मा को एक तरह का काफ़ी ऑफर आने लगे, क्योंकि वेब सीरीज़ करने के बाद में इन दोनों के पास में काफ़ी काम की काफ़ी